नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछु आधुरी प्रथमे हेडलाइंस। राज्य में कमी पारे ना नेउनी कोरोना जनित मृत्यु संख्या गत 24 घंटा रे 69 जीवन नेला महामारी। कटक रु सर्वाधिक 25 आक्रांत मृत्यु 24 घंटा रे 887 संक्रमित चिन्हट। 18 वर्ष रु कम वर्ग रे 131 संक्रमित। टीका अच्छे किंतु नाही सिरिंज। मयूरभंज बेतनटी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में विचित्र व्यवस्था। वैक्सीन नेबा को आसे निराश हेले लोके। टीकाकरण बंद को नहीं देखा जाइथिला उत्तेजना। तालिबान को वर्ल्ड बैंक झटका। अफगानिस्तान स्थिति को देखि बड़ आक्शन। आर्थिक सहायता बंद कला विश्व बैंक। सेपटे चीन देला तालिबानी को सहायता देवार संकेत। अफगान संकट को नहीं G7 रो इमरजेंसी मीटिंग। सुरक्षित पास ग्यारंटी पाई तालिबान आगे दावी। लोकों धार नहीं बैठक में 5 सूत्री योजना। 31 अगस्त भितर अमेरिका खाली करिबनी कबुल एयरपोर्ट। ओडिशारे आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत 5 दिनिया गस्तर संघर सांगठनिक बैठक में करे गुरुत्वपूर्ण आलोचना। पुरी जाई महाप्रभु श्रीजगन्नाथ को करे दर्शन। राज्यर विभिन्न विशिष्ट व्यक्ति को भेटा कार्यक्रम। आज पवित्र भाद्रव कृष्ण तृतीया तिथि। श्रीमंदिर श्रीजीव बनक लगे नीति। द्वितीय भोग मंडप भोग सम्पन्न पर श्रीमुख सिंहार। अपराह 4 राति 8 जाए सर्वसाधारण दर्शन बंद। कंधमाल डडबाड़ी गांव लोकों नियारा भाईचारा। गांव में हो गां कली समाधान। वर्ष वर्ष धरी गांव को माड़ी पुलिस जीवाक पड़ी कोर्ट। परस्पर सहयोग में आग को बढ़ुची गां। आदिवासी अंचल आसुची एकतार बार्ता। एवं आज इंडिया इंग्लैंड तृतीय टेस्ट। लीड्स ग्राउंड में दुई दल भितर टक्कर। जाडेजा स्थान में अश्विनी को मिलपे स्थान। 5 टिकिया सीरीज में 1-0 आगे रही भारत। आसे संपूर्ण खबर को। राज्य में कमिबारे ना नेउने कोरोना जनित मृत्यु संख्या गत 24 घंटा रे 69 जीवन नेला महामारी। कटक रु सर्वाधिक 25 आक्रांत मृत्यु होइछि। सेपरि जगत सिंहपुर 21, ढेंकानाल 9 जन जीवन नहीं कोरोना। सेपटे राज्य में 24 घंटा रे 887 कोरोना संक्रमित चिन्हट होइछन्ते। क्वारंटाइन रु 515 आक्रांत चिन्हट होइतबा बळे लोकल केस 372 रहिछि। सेपरी 18 वर्षरु कम वर्ग रे 131 संक्रमित चिन्हट होइछन्ते। खोर्धारु सर्वाधिक 323, कटकरु 119 आक्रांत, अनुगुलरु 27, बालेश्वरु 56, बरगड़ व भद्रकरु 9 लेखाए आक्रांत चिन्हट होइछन्ते। सेपरी देवगढ़रु 9, ढेंकानाल 16, जगतसिंहपुर 37, जाजपुर 43 संक्रमित चिन्हट होइछन्ते। यहाँ मिसाई राज्य में मोट आक्रांत संख्या 10,03,210 पहुंची। एक्टिव केस संख्या 8,226 रही। सूचना दिव्यज्योति महांति आम रिपोर्टर जोड़े रही फोन लाइन रे। दिव्य लगातार आम देखु पखापाखि 70 छुईवाक बसला मृतकों संख्या। मुख्य कारण कौन होता है? देखु माधुरी, निश्चित भाव देखिए जो आकलन कराला तृतीय लहर नहीं तृतीय लहर केसबा कहते सेप्टेम्बर प्रथम सप्ताह तृतीय लहर भारत को हिट कर जो नीति आयोग सदस्य वीके पॉल कही तृतीय लहर गोटे भयंकर स्थिति दे भारत बर्ष गति कर 6 लक्ष रु ऊर्ध संक्रमित चिन्हट हो पारती कि यार भितर IIT कानपुर जो स्टडी आती कहुचापी विशेष एमती किसी खबर ना। ओडिशा बहुत भल तृतीय लहर समय रे 2,000 रु 4,000 भितर संक्रमित चिन्हट हे यह निहाती भाव में ओडिशावासी गोटे आश्वस्तिकर खबर। एवं आउ गोटे कथा आप देखिए शिशु मान कथा देखिए शिशु मैंने प्रभावित होवार जो खबर रही जो आकलन कराला आज शिशु मान क्षेत्र में ओडिशा देखिए संख्या बढ़ी जो 700 पाखापाखि संक्रमित चिन्हट होती है तरह 100 रु ऊर्ध अर्थात पाखापाखि 150 संक्रमित केवल शिशु रही तो जहाँ को नहीं बर्तमान चिंता बढ़ुच्च राज्य में किभ शिशु मान सुरक्षित रखा कारण जेहतु टीकाकरण होना शिशु मान क्षेत्र में
ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ କଥା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାହଉଥିଲା ଯଦି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଆସୁଛି ତୃତୀୟ ଲହର, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ସରକାର ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଥ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 10,000 ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି କେବଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଥିରେ ICU ବେଡ୍ ରହିଛି, ଜେନେରାଲ ବେଡ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍ ରହିଛି। ଏଭଳି ପାଖାପାଖି 10,000 ବେଡ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବେ କଟକର ଶିଶୁ ଭବନରେ ମେଡିକାଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ହିସାବରେ ତାକୁ ନିଆଯାଉଛି, ସେଠି କିଭଳି ଅଧିକ ଶିଶୁ ରଖାଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ରହିପାରିବେ, ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ନଭେମ୍ବର ଏଇ 3 ମାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହର ସମ୍ଭାବନା, ଯାହାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ସାଜିପାରେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କରୋନା ଟିକା ଅଛି, ହେଲେ ଟିକା ନେବାକୁ ସିରିଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍ତେଜନା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଆଜି ଟିକା ନେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିରିଞ୍ଜ ନଥିବାରୁ ଟିକାକରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ 24 ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଏ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି ବା ବେତନଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ରହିଛି, କାରଣ ଏଠାରେ ଟିକା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକା ନେବାକୁ ସିରିଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା। ମନୋରଞ୍ଜନ, ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ବେତନଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଉତ୍ତେଜନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଦେଖାଦେଲାଣି କି? ମାଧୁରୀ, ଇଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ କରୋନା, ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଭୟଭୀତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଟିକା ମିଳିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେଇ ଆଶା ନେଇକି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଖ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ନୋଟିସ୍ ମାରିଥିଲେ ଆଜି 5 ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ମରା ହେଇଥିଲା ଯେ ଟିକାକରଣ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିକି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ 20-30 କିଲୋମିଟର କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିକି ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଟିକା ନାହିଁ କି ସିରିଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହସ୍ପିଟାଲର ଏ ଡାକ୍ତରଖାନାର କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକା ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ପୁରା ପାଖାପାଖି 5-6 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଆସିକି ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଯେହେତୁ 20-30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ମନୋରଞ୍ଜନ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରୁଛି? ଆମେ ଏ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ବେତନଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସିପୁନ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଫୋନରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆମକୁ ତାଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଟିକା ନେବାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଟିକା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟିକା ନେବାକୁ ସିରିଞ୍ଜ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଖରସ୍ରୋତା ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଜଳ ମାନବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ। ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବରୁଣାଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା 892 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଳି ଓ ରାଜକନିକାର ସାଧାରଣ ଜନତା। ପ୍ରଶାସନ ତରବରିଆ ଭାବେ ପୋଲିସ ଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ଆନ୍ଦୋଳନ 25 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି, ଓଡ଼ିଶା ଜନଶକ୍ତି ପାର୍ଟିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜଳମାନବ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ସମିତିର
आवाहक सुदर्शन दासों समेत अनेक सामाजिक कर्मी प्रकल्प स्थान में पहुंची सर्चमेन तदंत करने आंदोलनकारी आलोचना करते खरस्रोता नदी पा दि क्या दिजना बोली से कहवासह आंदोलन में सामिल होते सभा पूर्वतन विधायक देवेंद्र शर्मा दोलगोविंद नायक वरिष्ठ आईनजीवी धरणीधर नायकों समेत बहु विशिष्ट व्यक्ति जोगदे थे। मैंने यहाँ के लोगों का दुख और अपनी माँ नदी खरस्रोता के प्रति प्यार का संबंध देखा, इसलिए मैं अपनी इस उड़ीसा की सरकार को ये आगाह करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट उड़ीसा के लिए हितकर नहीं है। उड़ीसा की सरकार को ये समझना चाहिए कि मैं हमेशा उड़ीसा का दोस्त हूँ, उड़ीसा के लोगों का आदमी हूँ, उड़ीसा का भला चाहता हूँ, इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट का विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि यदि ये प्रोजेक्ट यहाँ से पानी उठाएगा तो समुद्र का खारा पानी ऊपर आके इस इलाके में विनाश करेगा और ये इलाका उजड़ जाएगा। ओडिशा आसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर सरसंघ चालक मोहन भगवत पांच दिनिया ओडिशा गस्तर आसी भुवनेश्वर पहुंची भगवत ओडिशार विशिष्ट व्यक्ति मानक साक्षात करार कार्यक्रम रही अगस्ट 26 रे पुरी जाई महाप्रभु श्रीजगन्नाथ दर्शन करेंगे। यहाँ गोवर्धन पीठर पूजा पूज्य शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को साक्षात करेंगे पर संघर विभिन्न बैठक में जोगदे। एक बैठक में साधारणतः सांगठनिक विषय उपर गुरुत्व दिया कोरोना संक्रमण में पीड़ित लोकों साय स्वयंसेवक मानक द्वारा करा राज्यव्यापी सेवा कार्यर समीक्षा करेंगे। तेज कोविड 19 नियम पालन पूर्वक समस्त कार्यक्रम अनुष्ठित हो कोरोना कारण कौन सी साधारण सभा अनुष्ठित होना कह आज पवित्र भाद्रव कृष्ण तृतीया तिथि श्रीमंदिर श्रीजीव बनक लगे नीति द्वितीय भोग मंडप भोग संपन्न होगापर दत्त महापात्र सेवक मैंने गर्भगृह को प्रवेश कर महाप्रभु श्रीमुख सिंगार नीति संपादन करेंगे। महाप्रभु को हिंगुल हरिताल शंख कला कस्तूरी आदि विभिन्न पारंपरिक प्रसाधन सामग्री प्रस्तुत रंग में महाप्रभु श्रीमुख चमकी उठ आज यह नीति प्राय 4 घंटा धरी अनुष्ठित होपराह 4 राति 8 पर्यंत सर्वसाधारण दर्शन बंद रही सूचना दी जाए। से शुक्रवार श्रीजी को लगे सुवर्ण राहु रेखा से दिन अपराह 2 साधारण दर्शन बंद रबदर अधिक सूचना आम सहित फोन लाइन जोड़े रही पूरी रिपोर्टर आलोक आशुतोष। आलोक आज बनक लगे नीति से स्वतंत्र नीतिकांति कण रही दर्शन व्यवस्था किभली रही है जेहेतु आज मध्य दर्शन व्यवस्था बा साधारण दर्शन बंद रही। देखो माधुरी निहत भाव में आज महाप्रभु बनक लगे नीति अर्थात श्रीमुख श्रृंगार कर आज महाप्रभु को दत्त महापात्र सेवायत मैंने रत्न सिंहासन चढ़ी महाप्रभु को विभिन्न प्राकृतिक रंग से सुसज्जित करेंगे यथा कस्तूरी हिंगुल हरितर एभ प्राकृतिक रंग से महाप्रभु श्रीमुख को श्रृंगार करेतु यह एक गुप्त नीति अटे से पाखापाखि 4 दर्शन बंद रहे बोली जहाँ श्रीमंदिर प्रशासन तरफ सूचना मिली। आप जानते 23 ठार सर्वसाधारण दर्शन आरंभ हो जाए आज दर्शन तृतीय दिन अर्थात आज तृतीय दिन में सका सका भिड़ पर जेहेतु आज महाप्रभु बनक लगे नीति अनुष्ठित हम द्वितीय भोग मंडप पर यह गुप्त नीति संपन्न होपराह 4 पाखापाखि 4 दर्शन व्यवस्था बंद हबार मानने कहीपर श्रीमंदिर प्रशासन तरफ सूचना मिली किंतु आज महाप्रभु श्रीमुख पूरा पूरी झटक जेहेतु राति 8 पर्यंत श्रीमंदिर बंद रहा आज भक्त श्रद्धालु मैंने महाप्रभु श्रीमुख श्रृंगार नीति देखिपारे ना कि आसंता का महाप्रभु श्रीमुख चमकु महाप्रभु श्रीमुख भक्त श्रद्धालु मैंने कृतार्थ हे माधुरी बिल्कुल परवर्त समय शुक्रवार दिन श्रीजी को लगे सुवर्ण राहु रेखा से साधारण दर्शन बंद रबद कहे मधुर आप जानते शुक्रवार दिन सुवर्ण राहु रेखा महाप्रभु को लगे जेहतु यह एक गुप्त नीति होता है दैतापति सेवायत मैंने महाप्रभु को यही गुप्त नीति संपन्न करते हैं पाखापाखि अपराह 2 श्रीमंदिर दर्शन बंद रहे जहां सूचना मिली किंतु आम कहीपर आज जो महाप्रभु बनक लगे जो श्रीमुख श्रृंगार नीति निश्चित भाव में यह एक गुप्त नीति अटे और प्रतिपर प्रतिमास 2-3 थर यही बनक लगे नीति महाप्रभु कारण महाप्रभु श्रीमुख किभली भाव चमक महाप्रभु श्रीमुख किभली भाव अति सुंदर देखा
ଦିଆଯିବ। ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଖି ସହିତ ନିଜର ଆଖି କିଭଳି ଭାବେ ମିଶେଇ ପାରିବେ ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, 4 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟତଃ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓକେ, ଆଜିର ଏହି ନୀତି ପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଯେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। तालिबान को बड़ झटका, अफगानिस्तान को आर्थिक सहायता बंद कला विश्व बैंक। एने विश्व बैंक पक्षर घोषणा करा जाए छे। विश्व बैंक जड़े अधिकारी कहते आम अफगानिस्तान को सहायता देवा उपरे रोक लगाई, देश में स्थित उपरे नजर रखा जाए छे। बैंक वेबसाइट अनुसार 2002 मसीह एवं अफगानिस्तान को 5.3 अरब डॉलर प्रदान करा जाए छे। एवं देश में पूर्व स्थिति नहीं, अफगानिस्तान उपरे तालिबान कब्जा करिबा उपरे देशरे आर्थिक संकट देखा दिछि। तालिबान नूतन सरकार घोषणा करिबार शेष पर्यायर थिबा बेले G7 रो जरूरीकालीन बैठक अनुष्ठित होइछि। लोकंकु सुरक्षित उद्धार पई G7 बैठक रे 5 सूत्री योजना करा जाइछि। एहासह अगस्ट 31 परे अफगानिस्तान रो आसिबा कु चाहुथिबा लोकंक पई सुरक्षित पास निश्चित करने को G7 बैठक में दावी होई। सेपटे अगस्त 31 पूर्व काबुल एयरपोर्ट छाड़ को मना कर अमेरिका। अफगानिस्तान संकट को नहीं G7 रो जरूरीकालीन बैठक, तालिबान नूतन सरकार घोषणा करिबार शेष पर्यायर थिबा बेले बैठक अनुष्ठित होई। अफगानिस्तान रु पलायन करुथिबा लोकंक पई तालिबान निश्चित सुरक्षित पास ग्यारंटी करने G7 दावी कर। अगस्ट 31 परे बाहर को आसवाक चाहूबा लोकों पर सुरक्षित पास निश्चित करने को G7 बैठक में दावी करा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अध्यक्षतार अनुषित बैठक में भविष्य में तालिबान सह जड़ित होगा रास्ता एक रोडमैप प्रस्तुति नहीं G7 राष्ट्र समूह सहमति प्रकाश कर। The UK alone has taken 9,000 people out of Kabul. I think 57 flights. Huge effort by our military, and we will go on right up until the last moment that we can. But you've heard what the President of the United States has had to say. You've heard what the Taliban have said, and I think you've got to understand the context in which we're doing this. We're confident we can get thousands more out. But the situation at the airport is not getting any better. There are public order issues. There are harrowing scenes for those who are trying to get out, and it's tough for our military as well. And so what we've done today at the G7 is we've got together the leading Western powers and agreed not just a joint approach to dealing with the evacuation, but also a roadmap for the way in which we're going to engage with the Taliban, as it probably will be a Taliban government in Kabul. ଏହାସହ G7 ବୈଠକରେ 5 ସୂତ୍ରୀ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତୃତୀୟ, ମାନବିକତା ଆଧାରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଚତୁର୍ଥ, ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଇନଗତ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଓ ପଞ୍ଚମରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ନୂତନ ସରକାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। The number one condition we're setting as G7 is that they've got to guarantee right the way through August the 31st and beyond safe passage for those who want to come out. Now, some of them will say that they don't accept that, and some of them I hope will see the sense of that, because the G7 has very considerable leverage, economic, diplomatic and political. ଅନ୍ୟପଟେ 31 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବିଦେଶୀ ବାହିନୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ତାଲିବାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ବାତ୍ୟା ଫୋନିକୁ ପୁରିଛି 2 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିନି ସହାୟତା। ଏବେ ବି ସତ୍ୟ ବାତିରେ ପଲିଥିନ ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ମିଳୁନି।
सत्यवादी तहसील रे घर बंटा को नहीं गंडगोल बारंबार तहसीलदार बदली को विरोध करुछन्ते क्षतिग्रस्त सत्यवादी आंचलिक संगठन सभापति कैलाश चंद्र बराल नेतृत्व में शताधिक महिला और पुरुष सत्यवादी तहसील घेराव करने भोट बर्जन चेतावनी देते योग्य लोक घर न मिलने आगामी निर्वाचन में भोट बर्जन सहित गाँ गाँ बुले भोट न देवा प्रचार करे कैलाश बराल यहाँ आज समस्या नुहे दुई वर्ष तीन मस हो गला फनी को आम दुई वर्ष तीन मस भितर विभिन्न संगठन सहित आम तहसील अफिस् ब्लक जिलापा अफिस पंदर रु कोड़े दिन रात दिन बस मशा दाउस आमर समस्या है जो जो मैंने गरीब लोक सत्यवादी अच्छा से मैंने प्रकृत लोक कचा घर वाला भंगा लोक पैसा पाइले ना आर आई एवं तह स्तर किसी जो मैंने अच्छा दलाल एम सागर मिसी पैसा 15,000 कोड़े हजार आदाय कले जो मैंने पैसा देते छात घर वाला चाकरी करो कार लोक से पैसा पाइले कि जो मैंने बर्तमान भी भंगा घर अच्छा से पैसा पाइले ना से आम शांति श्रृंखला सहित कौन गुंडाराज ना क्या धमक ना क्या किसी कहार ना आम अभोग कर जोटा होने बर्तमान जो लिस्टा कंप्यूटर जो हाउस प्लस जो आम आर एच पोर्टाल अच्छी जहाँ ना अच्छे से कते इनएलिजिबल लोक अच्छा से खाली ट्रेस आउट करलिजिबुल कथा पर कथ इनएलिजिबल लोक गुड़ा डिलीट करवा बर्तमान से कार्यक्रम चलते ओलंपिक्स पर बिना दर्शक अनुष्ठित पाराओलंपिक्स उद्घाटन समारोह निकटने टोक्यो ओलंपिक्स शेष होता बेले आज आरंभ हो पाराओलंपिक्स देशर 54 जन पारा आथलेट एथिरे अंशग्रहण करिछन्ते चलित पाराओलंपिक्स रे 163 देशर 4500 खेलाड़ी 22 खेलर 540 इवेंट रे प्रतिद्वंदिता करिपे सेपटे उद्घाटनी समारोह कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निज कार्यालय देखिबा सह खेलाड़ी मनोबल बढ़ाई मोदी ट्वीट कर खेलाड़ी को शुभेच्छा जणाइबा सह समस्त खेलाड़ी उपरे आमे गर्वित बोली कहिछन्ते गरीब परिवार उपरे तहसीलदार जुलम जेसीबी लगाई भांगी देले आवास घर घर छात पड़े सारिपा प्रशासन कहुछि जंगल जमि रे होइछि घर जेतेबेले कि हिताधिकारी संप्रक्त जमी सरकार को ठारु भूमिहीन होइथिबारु मिलिथिला एथिपई से खजणा भी देइछते सेपटे एहा कुने चुप पूरा ब्लॉक प्रशासन तहसीलदार को दादागिरी जेसीबी लगाई माटी रे मिसाई देले आवास घर न्याय पाई आत्महत्या धमक देले गरीब हिताधिकारी ए हेउछि बलांगीर सदर थाना कुटुमडोला पंचायतर गंगाधर सिंह घर निहाती गरीब और भूमिहीन से स्थान में राज्य सरकार तरफ दुई डिसिमिल सरकारी जगह दिया जाइथिला एथिपई खजणा भी भरी 500 टंका निहाती गरीब होइथिबारु 2020-21 आर्थिक वर्ष रे प्रधानमंत्री आवास घर पाइबा कु योग्य विवेचित होइथिले गंगाधर सर्भे परे आवास घर निर्माण पाई वाक अर्डर मध्य हला धार करज करी आवास घर निर्माण कले प्रथम तीनि किस्ती टंका मध्य पाइले एबे जंगल जमीन रे होइथिबा कहि घर भांगी देइछंती बलांगीर तहसीलदार भगवान बाग आवास घर पाइबी खोला आकाश तले गंगाधर प्रतिवाद रे जिलापाल ऑफिस आगरे धारणा देइछंती गंगाधर न्याय न पाइले जिलापाल ऑफिस आगरे विषपी आत्महत्या करबाकु बाध्य हेबी बोली से धमक देइछंती से मने मते लुटिस लगावार कथा जे आजकी तारीख दिन तोर घर भांगो बोली करी मते कहिथिले आज्ञा मई सात बरे रूम कहाँ जा मजुरी काम करियैथि दि बलांगीर इथिरी आर किछि कथा नै नंबर घर देले मोर जीव हत्या हला इटा किने ए बिना अन्य किछि नै करे आज्ञा देखु तबे कलेक्टर साहब निजे पूरा मई जहर बीस पी करी तांको सामना रे पूरा आत्महत्या करी हमी तिरी की और मोर पुओ की काई ती लई घर भांगी छन बेला गां वाले कर तरफ पर पैसा कई करी भांगी छन मो घर रखला एबा का केन न रहमु जेटा कलेक्टर के हमें जनामु जिलापाल के से केन न जगह देबे जे छन हमें रहमु मोर घर भांगी दे छन या दे केन रहमे आज हम गरीब लोग है मोर बापा मजूरी काम कर जीथिले आउ केन न मई रहमे केन गछ खुट तले रहमे आउ सरकार जदि जो दौछे ई घर बोले का हला जे भांगुछे प्रधानमंत्री आवास योजना देला सरकार काहे की देला काहे की भांगुछे आवास घर पाइबी खोला आकाश तले रहिबाकु गंगाधरंकु बाध्य करिछि बलांगीर जिला प्रशासन सेठारे अन्य तीन जनक घर अछि किंतु सेथिरे हात मारिनि प्रशासन
जहाँ नहीं नीरव रही तहसीलदार और विडीओ आवास भंगा को नहीं ईओ जीआरएस सरपंच विडीओ और तहसीलदार का भूमिका को नहीं प्रश्न उठाई सामाजिक कर्मी आरए रिपोर्ट देखा गोटे पत्र जंगल किसम जो अब्जेक्शन लैंड से घर या बहुत दिन आगे स्टे दिखाई एवं इविक्शन नोटिस भी दिखाई तो से स्टे को इविक्शन नोटिस को खातिर कलानी से पुणी फर्दर कंस्ट्रक्शन करुते तो से वारंट भी इश्यू कराई तो से वारंट आसिक मो कोर्ट प्रेजेन्ट हो लिखी थी विदिन फाइव डेज मुझे डिमोलीश कर देवी बोलिकी तथा से डिमोलीश कले से आज पर इविक्शन कर गोटे कौन भी लोकर घर भांगवार आगे बहुत चिंता करवा कथा आई घर भांगवा टाइम निंदा किंतु बाकी जहाँ आप कहे भेरिफिकेशन नहीं कर दिगला प्राक्टिकली भेरिफिकेशन करवार संभव नहीं था जितेबाला अभियोग आसे एंता प्रकार स्थित आसे आज जब अभियोग नहीं आसला से गली भी जाए आर किए भी पतरा जंगल नहीं बन थे बोली किसी ग्यारंटी भी नाइन किंतु से तार भाग्य खराब है तार गाँव लोक कम्प्लेन कले जार फल से एत दंड पाला किंतु प्रशासन के मुझे भी अनुरोध करें आमर तहसीलदार साहेब के किसी दिन समय दि जाए आज बोला कि सी कहे जथे समय दिगलान आउ समय दि नहीं प्रश्न उठू जदि जंगल जमी था तेल प्रशासन घर तैयारी अनुमति देला केमी आवास घर भांगापी अनुमति देला किए बिना नोटिस अतर्कित भाव कहीं भांगे गंगाधर आवास घर बर्षा दिन में गंगाधर परिवार एबे रहिबे केउठिए वारे गला राज्य सरकार मुंड उपरे पक्का घर स्लोगान गंगाधर परिवार को न्याय मिलिबो त बलांगीर वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत को सह तरुण साहू को रिपोर्ट अर्गस न्यूज समय सरछि बुलेटिन कोइठ रखुछु नमस्कार।